जी देखिए, मेरा नाम टाइगर योगेंद्र यादव है। मैंने इसके पहले 3 फिल्में अभी तक एज ए लीड डायरेक्टर बना चुका हूँ और ये मेरी फिल्म भोजपुरी है जो मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें स्टार कास्ट की मैं बात कर दूँ अभी तक तो संजय पांडे, फिरोज तेजा, पीएन जायसवाल हमारे साथ हैं। और इस फिल्म की जो स्टोरी लिखी है वो श्यामचरण यादव जी ने लिखी है, जिसको मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। जी जैसा कि हमने इसके पहले एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है अत्याचार, वो फिल्म का नाम भी मैंने हिंदी ही टाइटल लिया हुआ था, लेकिन उसमें हमने कॉमिक्स रखा है भोजपुरी और हिंदी को। तो इस फिल्म को मैंने हिंदी ही जैसा रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो हमको मसाले देखने को मिलेंगे वो हिंदी, भोजपुरी और कुछ ऐसे भी वर्ड्स आपको देखने मिलेंगे जो हम काफ़ी यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश के एक दो वर्ड्स हो जाते हैं। तो उस तरीके से हमने तू ही बनेगी मेरी दुल्हनिया को हमने टाइटल लिया और हमारे पूरी यूनिट को बहुत पसंद आई। जी जी देखिए, मेरी एक आदत है, मैं आपको बता दूं, मैं स्टार जो नए लोग होते हैं उनके साथ काम करना मैं बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि मैं खुद एक अच्छा डायरेक्टर और एक नया डायरेक्टर हूं। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ओल्ड डायरेक्टर हैं, क्योंकि जब हमने बनाई थी प्यार से बोलो देवा, तो उसने मेरा जो लीड डायरेक्टर किया था वो देवा किया था, तो लोग बोले थे कि नए स्टार को आप लॉन्च करके फिल्म को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर एक गट्स है, मैंने अपने अंदर एक क्षमता रखता हूँ कि नए लोगों को लेके हम पुराने के सामने ही लॉन्च करेंगे, और शायद मेरी कोशिश है कि उनसे ज़्यादा हमारी फिल्म चलेगी। जैसे कि एक फिल्म हमारी जा रही है दम, जिसमें बबलू आर्या जी हैं, वो भी हमने नए कास्ट के साथ बनाया हुआ है और हमने 60 सिनेमाघरों में एक साथ बिहार में रिलीज़ कर रहे हैं, जिनके अपोजिट कई स्टार कास्टों की भी सिनेमा चल रही है। तो जो हमारी ये फिल्म है तू ही मेरी जान में नए कास्ट है, सारे लोग नए हैं, लेकिन इसे फिरोज तेजा की जो एक्टिंग हमने इसके पहले फिल्म जींस वाले भौजी में मैंने देखा था, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस सिनेमा में उनका एक क्रेज अलग होगा जो संजय पांडे साथ में है। तो इस फिल्म को भी हम ऑल ओवर यूपी बिहार और कोशिश करेंगे पूरा रिलीज करने का। तो नए लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। जी मेरा नाम दामोदर राव है और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं इस फिल्म में जुड़ा हूँ, और इसके निर्माता पीएन जायसवाल जी हैं और फिरोज जी और ये शंकर जी डायरेक्टर हैं। तो इसके सारे गाने अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे गाने हैं, और इसमें अभी कास्टिंग में कुछ और लोग लेने का प्लान है। फिलहाल तो पीएन जायसवाल जी हैं और गाने इसमें सब मार्केट के सिंगर गाए, आलोक कुमार, विपुल जैन, तिवारी, सब अच्छे अच्छे सिंगर गाए हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि फिल्म में गाने अच्छे हों और फिल्म अच्छी बने। जी पब्लिक तक उसके एक संदेश जाए, सब क्या उनका नाम है तू ही बनेगी तो ही बनेगी मेरे दुल्हनी। पब्लिक के लिए तो वही हर टाइप के गाने होते हैं, मेलोडी गाने हैं, रोमांटिक गाने हैं, एक आइटम टाइप मुद्रा टाइप का गाना है, सैड गाना है, तो अलग अलग टाइप के गाने होते हैं, पब्लिक का मनोरंजन हो। नहीं, कई गाने कंपोज हुए हैं, मेरा बॉडी भी होगा मुखड़ा आवाज़ तो मेरी लगी हुई है, कोई बात नहीं। एक गाना इसी फिल्म का है, ज़्यादा नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि आवाज़ एकदम नाक पूरा जुकाम से भरा हुआ है। तो आप वैसे फिल्म आएगी तो आप सब देखेंगे ही, और पूरी कोशिश है कि गाने सब अच्छे हो, सारे गाने अच्छे हो और फिल्म अच्छी बने। बस सारी बातें तो डायरेक्टर साहब बता ही दिया है, तो ज़्यादा नहीं, बस थैंक यू, धन्यवाद। सही सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं हूँ आनंद देव मिश्रा, और जितने भी मेरे मीडियागण हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। जहाँ तक फिल्म का नाम है तू ही बनेगी मेरी दुल्हनिया, टाइटल भी बहुत अच्छा है फिल्म का, और एक पारिवारिक फिल्म होगी मुझे जहाँ तक पूरा उम्मीद है, क्योंकि अभी भोजपुरी में एक अच्छा दौर आ चुका है, क्योंकि अभी सारी फिल्में बहुत अच्छी बन रही है। और मैं टाइगर जी को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, फिरोज जी को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, श्याम चरण जी को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, और इस फिल्म के पीएन जायसवाल जी प्रोड्यूसर हैं उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा एक मुहिम चालू किया है, क्योंकि फिल्म का टाइटल ही बहुत स्ट्रांग है। एक चीज़ और बोलना, और
सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी पिछले हफ्ते मेरी फिल्म रिलीज हुई थी कहानी काशी की बिहार झारखंड में, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है। और मेरी अभी फिल्में अभी मैं करने के लिए जा रहा हूँ, वानी की कहानी, उसके बाद मैं कर रहा हूँ ए हसीना जुल्फों वाली, और साथ ही साथ मैं कर रहा हूँ चांद के जैसा दुल्हन हमार। बहुत अच्छी फिल्म बनने जा रही है। तो मैं आप लोग से यही चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मेरी सारी फिल्मों को बहुत प्यार दिया है, अभी इनकी फिल्म आ रही है तू ही बनेगी मेरी दुल्हनिया, आप लोग सब प्यार और आशीर्वाद दीजिए। यही चाहता हूँ मैं आप लोग से। जी सबसे पहले मैं तो आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम विकास पांडे है और मेरा इस मूवी में सेकंड लीड रोल है हीरो का। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ टाइगर सर को और पीएन जसवाल सर को। मैं सबसे धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे इसमें चांस दिया। अरे मेरी काफ़ी मूवी आ रही है, अभी एक आने वाली है, अभी हम धूम मचा देंगे, बहुत जल्द आप लोग के बीच आने वाली है, और मेरी कई एल्बम भी आई हैं आप लोग के बीच में। तो आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे बनाए रखें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्याम जी को, देवेंद्र जी को, दीपक सर को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे इतना प्यार दिया। मैं आप सबसे यही करता हूँ कि आप मुझे भी अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए जी। धन्यवाद भाई। यहाँ पे अभी सब जितने मीडिया लोग आए हैं सबको हम नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है कृष्णा पांडे और मैं नेगेटिव कैरेक्टर काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ, साउथ से लेके मराठी, हिंदी, भोजपुरी, काफ़ी फिल्में मेरी आ चुकी है मार्केट में। और टाइगर साहब हमारे जो है काफ़ी पुराने मित्र हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया कि भाई आप आइए यहाँ पे जो है, तो बधाई देने के लिए आना पड़ा। और मैं चाहता हूँ कि जो फिल्म बन रही है भोजपुरी आज के डेट में जो है तू ही बनेगी दुल्हनिया मेरी, तो काफ़ी अच्छी जाए और सबका आशीर्वाद लगे इसमें जो है, फिल्म सुपर डुपर हिट हो, अच्छे से बने और सबका सहयोग लगे। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। विकास पंडित का तू ही बनेगी मेरी दुल्हनिया में मैं ये विलन कर रहा हूँ। श्याम भैया, टाइगर भैया का सब प्यार और आशीर्वाद है। और श्याम भैया ऐसे इंसान हैं जो फाड़ कर निकल जाते हैं, क्योंकि एक दबंग डायरेक्टर माना जाता है उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का, और अच्छा खासा भूमिका निभा देते हैं। और जिन्हें नहीं भी काम आता है उन्हें श्याम भैया ऐसे इंसान हैं जो प्यार से लोगों को काम सिखाते हैं और लोग अच्छा काम करके निकल जाते हैं। और टाइगर यादव भी रंगीला है, उसमें तो आप लोग को कोई सबको ही पता होगा, टाइगर यादव भी रंगीला है। श्यामचंद यादव भैया जिंदाबाद, भारत माता की जय। थैंक यू गाइस, थैंक यू। सबसे पहले बधाई दूंगा मैं डायरेक्टर जी को अपना, योगेंद्र यादव जी को, हीरो लोग को, और के भी हमारे यहाँ साथ में संजय भैया भी हैं। तू ही बनेगी मोर दुल्हनिया, मेरी दुल्हन जब दिखाई नहीं दे रही है तब क्या बोलूँ मैं। ना मालिक कोई ना कोई चाहिए ना फिल्म में, मैं जोड़ी की मार फिल्म तो करेंगे इसमें, टीके भी हैं, सेम मेरे भी अपने सब लोग का इसमें फिर कभी ना कभी दिखाई देंगे। हमने साथ में काम भी किया, ऐसा थोड़े कि एक बार काम किया है, बहुत बार साथ में काम किया है। सभी को अभी हमारा हाथ जोड़ के प्रणाम। और मैं मनोज राजभर हूँ, इस पिक्चर का DOP, और इससे पहले भी मैं टाइगर यादव के साथ एक मूवी कर चुका हूँ अत्याचार, और ये मेरी पाँचवीं या छठवीं पिक्चर होगी। बाकी इस टीम के जो हीरो हैं, हीरो के रहने के बावजूद भी ये बहुत बड़े अच्छे एक इंसान भी हैं, और बाकी जो हमारे राइटर और बाकी डांस मास्टर हैं इनसे आप बात कर लीजिए। राम सिंह है, मैं इस फिल्म का डांस मास्टर हूँ, और बहुत 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 अच्छे गाने दामोदर जी ने दिए हैं, म्यूजिक दिया है, तो आई होप आप सबको बहुत पसंद आए। थैंक यू सर। मेरा नाम सुशील रमन है, मैं बेसिकली हिंदी फिल्म और TV सीरियल्स का एक्टर हूँ। अभी लखनऊ का मैं रहने वाला हूँ, तो अभी टाइगर जी से मेरी मुलाकात जल्द की ही है, लखनऊ में मेरी मुलाकात हुई और मैं यहाँ था तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे यहाँ करके बड़ी खुशी हुई। ये फिल्म का नाम ही इतना बढ़िया है, तू ही बनेगी मेरी दुल्हनिया, इन नाम से ही लग रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म बनेगी। और मेरी गुजारिश है ईश्वर से कि उनकी फिल्म बहुत अच्छी बने और सुपर हिट डुपर हिट साबित हो, और आप लोगों का भी सहयोग रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है। और
टाइगर जी के टैलेंट का चर्चा करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी फिल्में दे चुके हैं और ऑलरेडी टैलेंटेड हैं और नए एक्टर उनके साथ काम करने के लिए बहुत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उनके साथ काम करने को सीखने को बहुत मिलता है। तो मुझे उम्मीद है इस पिक्चर में भी वो सुपर डुपर हिट कमाल करेंगे और आगे आने वाली फिल्में भी उनके हिसाब से अच्छी होंगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम प्रेम कुमार मदेश, मैं इस मूवी में काम कर रहा हूँ, मैं इनके फ्रेंड का रोल कर रहा हूँ। मैं अभी तक पढ़ाई किया था इनका, मतलब मेरे फ्रेंड है ये जो यहाँ मैं लीड कर रहे हैं, वो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को इसमें मतलब इनवाइट किया है, बुलाया है काम करने के वास्ते। मैं इनके फ्रेंड का रोल कर रहा हूँ इसमें और इतने बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें, मैं इसमें शामिल हूँ। फिल्म का नाम आप लोग देख ही रहे हैं, तो ही बनेगी मेरी दुल्हनिया, इसमें मैं काम कर रहा हूँ कोरियोग्राफर। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम है अनुभव यादव, मैं फिल्म में कोरियोग्राफर का काम कर रहा हूँ और ये जो मेन लीड कर रहे हैं वो मेरे बहुत ही खास मित्र हैं और सबसे खुशी की बात है कि मैं संजय पांडे जी की तरफ से काम कर रहा हूँ। जी सर, मेरा नाम है फिरोज तेजा। मैं इसके पहले एक फिल्म किया था जींस वाली फौजी, उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म है। 3-4 साल के अंतराल के बाद मैं एक दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, जिस फिल्म का नाम है तू ही बनेगी मेरी दुल्हनिया। और इस फिल्म में मैं खल अभिनेता यानी संजय पांडे जी हमारे जो बड़े भाई गुरु, उनका मैं छोटे भाई का रोल कर रहा हूँ। और इसमें किरदार विलन का है मेरा, वो करने के ऊपर है कि कैसा मैं खेल सकता हूँ और कैसा कर सकता हूँ। जी नाम बताइए। मेरा नाम पीएन जायसवाल। जायसवाल जी, इस फिल्म में आप मेन लीड रोल कर रहे हैं जी, किस तरह से स्क्रिप्ट है आपको कैसा रोल जी? मेरा तो ये पहला फिल्म है, तू ही बनेगी मेरी दुल्हनिया, और इसका स्टोरी लव स्टोरी है ये, और ये इनके राइटर श्यामचरण यादव जी हैं। और इस स्टोरी के बारे में मुझे उतना ये नॉलेज नहीं है, फिर भी हम ये फिल्म लव स्टोरी और भरपूर एक्शन से भरी हुई है। इसकी शूटिंग गोरखपुर देवरिया के बीच में होगी, और इसके जो गाने हैं दार्जिलिंग बंगाल और आसाम और नेपाल में शूट किया जाएगा इसको। जी मैं बता देता हूँ, ये पी एन जायसवाल जी की पहली ऐसी एक फिल्म है जिसमें लीड कर रहे हैं और ये एक्शन इसमें करेंगे, बहुत अच्छा। जी शारदा देवी फिल्म प्रोडक्शन के तरह बन रही है तू ही बनेगी मेरी दुल्हनिया, जिसमें ये एक्टर पी एन जायसवाल जी हैं जिन्होंने इस फिल्म में एक लीड रोल कर रहे हैं। ये पहली फिल्म इनकी होगी, स्लो फिल्म है ये, और ये जहां शूटिंग हो रही है जो इन्हीं के गांव पे हो रही है, और जो गाने की बात है वो दार्जिलिंग और आपका नेपाल और असम में किया जाएगा जहाँ इनका घर है, और जो बाकी शूटिंग है वो इनके गांव देवरिया में हम लोग कर रहे हैं, क्यों जहाँ पे वो, और बाकी ये अपनी खुद की ट्रेनिंग ले रहे हैं एक्टिंग के लिए, जिसमें एक्शन और फाइट्स वगैरह ये काफ़ी सीख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो पीएन जायसवाल जी इस बार जो आप काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लाइफ के लिए और भोजपुरी के लिए एक अच्छी होगा। नहीं सर, दुल्हनिया है इसमें, ऐसा नहीं है, पर इन्होंने अपने दिल के अंदर रख लिया छुपा करके, वो बाद में आएगी शूटिंग पे, तो इसके लिए क्यों। बाकी चीज़ आप बताइए इन लोगों की, कैसे कैसे आपने फिल्म को बना रहे हैं, कितनी मेहनत आपने किया है? इस फिल्म को बनाने में हमने बहुत मेहनत किया है, और ये फिल्म हमारा एक सपना था, जो ये सपना हमारा ये आज पूरा होने जा रहा है। और ये तो अभी ये कहानी हमारे कोई रियल लाइफ पे नहीं है, फिर भी हो भी सकती है आगे चल के, और बस फिल्म का ये हम आज बहुत खुश हैं जो हम अपना ये मेहनत से आज ये फिल्म करने जा रहे हैं, और अपने मेहनत के बदौलत हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं, और बस हम सभी से अपने
दर्शकों से? अपने दर्शकों से यही चाहेंगे जो हमें आशीर्वाद दें, और ये शूटिंग करने में हम जहाँ भी शूटिंग करें वहाँ हमें सब दर्शक जो है कि मदद करें।